बोटाद जिला कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। 26/10/20 ना रोज कोळी विकास संगठन द्वारा बोटाद जिला कलेक्टर ने आवेदन पत्र अपायुं। बोटाद जिलाना राजपरा गामे असामाजिक तत्वों द्वारा कोळी समाजना आगेवान एवा रमेशभाई पोचाभाई चौहाणनुं मर्डर कर्युं हतुं। असामाजिक तत्वों मर्डर करनारना मळतियाओ द्वारा रमेशभाई चौहाणना परिवारने अवारनवार धमकी आपता होय छे, हाथ पग भांकी नाखवानी धमकी आपता होय। अंगे रजूआत पाड़ियाद पोलिस स्टेशन तथा जुदी जुदी कचेरी बोटाद जिल्ला में करी होवा छता पर असामाजिक तत्वों द्वारा धाक धमकी वारंवार आपवामां आवती होय छे, त्यारे प्रशासन की अंदर सामान्य परिवार ने न्याय अपावाना बदले जेनु मर्डर अने मृत्यु थयुं छे तेनी साथ सहकार आपी रह्या छे अने ते परिवार ने अवारनवार धमकी आपता होय छे, त्यारे आज रोज कोळी विकास संगठन गुजरात ना माध्यम थी कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। बोटाद जिल्ला एसपी ने पण आवेदन पत्र अपायुं। वधुमां जणाव्युं कि आगमी दिवसोनी अंदर रमेशभाईना परिवार ने कोईपण रीते असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी आपवामां आवशे के मार मारवामां आवशे तो कोळी विकास संगठन गुजरात उग्र आंदोलन स्वरूप धारण करवू पड़शे। तमाम असामाजिक तत्वों ने डांबा माटे उग्र आंदोलनों रस्तो अपनावो पड़शे अने तात्कालिक कड़कमां कड़क सजा थाय तेवी रजूआत कोळी विकास संगठन गुजरातना स्थापक एवा मुकेशभाई राजपरा द्वारा उग्र मांग करवामां आवी छे के वहीवटी तंत्र में सुधारो लावी जेने धाक धमकी आपवामां आवी छे, जेना परिवार में मर्डर थयुं छे ते परिवार में उपरथी धाक धमकी आपवामां आवे छे त्यारे तेने लईने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे, त्यारे वहीवटी तंत्र द्वारा कड़कमां कड़क कार्यवाही करवामां आवे तेवी मांग कोळी विकास संगठन गुजरात तरफ थी बोटाद कलेक्टर कचेरी कलेक्टरशरी ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। जे 5 वर्ष अगाउ बोटाद जिल्लाना राजपरा गामनी अंदर असामाजिक तत्वों द्वारा कोळी समाजना आगेवान एवा भाईनुं मर्डर करवामां आवेलुं अने तेम छतां आजे 5-5 वर्ष थवा छतां पण आरोपी खुलेआम रखडता होय अने एने कोई पण प्रकारनी सजा आपवामां न आवी होय अने हाल अत्यारे आ जे मर्डर थयेलू छे ए परिवार ने अवारनवार आ असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी आपवामां आवे एने मारी नाखवानी धमकी आपवामां आवे, हाथपग भांगी नाखवानी धमकी आपवामां आवे। खूब दुख लागे आ देशनी अंदर पीड़ित वर्ग ने न्याय अपावामां एटलो एटलो विलंब थाय अने एक तो ए भाईनुं मर्डर करवामां आवेलुं तेम छतां एना छोकराओने अवारनवार धमकी आपवामां आवे, बहेनने मारी नाखवानी धमकी देवामां आवे तेम छतां आ प्रशासन कંઈ કરે નહીં તો ખૂબ દુઃખની વાત કહેવાય। એટલે કોળી વિકાસ સંગઠનની એક ઉગ્ર એવી માંગણી છે કે યુદ્ધના ધોરણે આ જે કોઈ આરોપી રાજપરા ગામના હોય, આ ભાઈનું જે મર્ડર કરનારની અંદર જે કોઈ આરોપી આની અંદર હોય, તે તમામને તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે કડકમાં કડક આજીવન સજા આપવામાં આવે અને આ જે ધમકી આપવામાં આવે છે તે તમામને તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે પકડી અને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે। કોળી વિકાસ સંગઠન ગુજરાતના સ્થાપક મુકેશભાઈ રાજપરા અને આખા કોળી વિકાસ સંગઠન ગુજરાતની એવી ઉગ્ર માંગણી છે, નહીં તો આગામી દિવસોની અંદર હવે પછી ક્યારે આ વિસ્તારની અંદર અસામાજિક તત્વો દ્વારા કોળી સમાજના કોઈ પણ પરિવાર ઉપર આ રીતે ખોટી રીતે માર મારવામાં આવે, ધમકી દેવામાં આવે તો એ વ્યાજબી વાત નથી, તે ચલાવી લેવામાં નહીં આવે, ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી અને અમારે ન છૂટકે અમારે પોતે જ ગાંધી ચિંતા માર્ગે આંદોલનનો માર્ગ અપનાવી અને આવા અસામાજિક તત્વોને ન છૂટકે જ્યાં સુધી સજા ન મળે ત્યાં સુધી ઉપવાસ આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવો પડશે।